हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। जब भी आप नई नई माँ बनती हैं तो बेबी सिटिंग करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बच्चे को किस तरीके से दूध पिलाना है, किस तरीके से सुलाना है, किस पोजीशन में लिटाना है, कौन कौन सी चीज़ें बच्चे के लिए फायदेमंद हैं, कौन सी चीज़ें उसे नुकसान पहुँचा सकती हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर बेबी सिटिंग ही कहलाती हैं, जो कि नई नई माँ को ज़्यादा तौर पर पता नहीं होता है। इसीलिए अगर आप नई नई माँ बनी हैं तो मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आप अच्छे तरीके से बेबी सिटर बन जाएं। टिप नंबर 1, बेबी सिटिंग के लिए आपका जिम्मेदार होना और धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिम्मेदारी अपने बच्चे की सुरक्षा की, कि आप वो सारे सुरक्षा के सारी तरीके से तैयारियां करके रखें, ताकि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की चोट ना पहुंचे। मान लीजिए कि आपका बच्चा सो रहा है और आपको किचन के सारे काम पूरे करने हैं, तो आप जब भी बेड से उतरे तो बच्चे के आसपास बड़े बड़े पिलोस लगा दें और बच्चों के पास किसी न किसी को जरूर बिठा दें। आप चाहें तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कह सकते हैं, ताकि वो आपके बच्चों पर निगरानी भी रख सके और ये भी देख सके कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक अच्छा बेबी सिटर बनने के लिए आपके पास हर किसी का नंबर होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने पड़ोसियों का नंबर मदद के लिए, अपने डॉक्टर्स का नंबर, अपने माता पिता का नंबर, और फ़ोन की बैटरी को हमेशा चार्ज रखिए, ताकि अगर आपको एट अ टाइम पर किसी की ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत फ़ोन मिलाकर उनसे मदद मांग सकें। टिप नंबर 2, एक परफेक्ट बेबी सिटर बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाने की भी ज़रूरत है, जैसे कि बच्चे के बेबी फीड का टाइम, उसे कब दूध पिलाना है, डायपर कितने समय में चेंज करना है, किस समय आपका बच्चा सो रहा है, किस समय वो जाग रहा है, ये सारी चीज़ों के समय को अच्छे तरीके से और सिस्टमैटिक ढंग से चलाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप चाहें तो लिस्ट बना सकती हैं और एक एक चीज़ को याद कर सकती हैं। टिप नंबर 3, बच्चे को भूत वाले सीरियल, ज़्यादा टीवी सीरियल, लाउड म्यूजिक से परेशान या डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। आप चाहें तो जब बच्चा जाग रहा हो तो उसी के साथ खेल सकती हैं। ऐसा करने से बच्चे के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और बच्चा भूतिया या फिर डरावनी आवाजों से भी दूर रहेगा। कई बार ज्यादा भूतिया चीजें देखने की वजह से उसके जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो बच्चे के कानों को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं और उसी वजह से बच्चा रोना तुरंत शुरू कर देता है। इसीलिए टीवी को कम से कम चलाएं और बहुत ही लो आवाज पर ही टीवी को सुने और अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं। टिप नंबर 4, अगर आपको बच्चे का डायपर चेंज करना है और डायपर गंदा हो गया है, तो सबसे पहले अपने बच्चे के शरीर पर लगी सारी गंदगी को साफ करिए और उसके बाद बेबी वाइप से उसकी त्वचा को दोबारा से साफ करिए, क्योंकि बेबी वाइप के अंदर हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू होती है, जिसकी वजह से गंदगी तो साफ हो ही जाती है, साथ ही साथ गंदी बदबू भी साफ हो जाती है और उसके बाद आप अपने बच्चे का डायपर चेंज कर सकती हैं। सो दोस्तों, ये है कुछ आसान से टिप्स जो आपको परफेक्ट बेबी सिटर बना सकते हैं। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।